नेताजी हमारी सुनो कार्यक्रम में आज हम है बीर सिंहपुर पाली में। इस कार्यक्रम के तहत आज हम यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ के नागरिकों से बात करेंगे कि वो अपने नेताजी से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या सोचते हैं, अपने नेताजी से क्या अपेक्षा रखते हैं। हम अपने नेताजी से यही अपेक्षा करेंगे कि हमारे कॉलेज में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, या ड्रेस की मांग हम लोगों ने कब से की है उसकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और जो हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे, चाहे गांव से भी हों, तो उनकी साफ सफाई, रोड, लाइट वगैरह जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। हम यही अपेक्षा करेंगे कि हर जो भी कोई हमारे नेताजी रहेंगे, जो भी रहें, वो बस यही विकास करें अपने क्षेत्र का। आप अपने नेताजी से क्या अपेक्षा रखते हैं? हम अपने नेताजी से ये कहते हैं कि पाली का विकास हो, कोई सीमेंट फैक्ट्री लगे, यहाँ पर रपटा का पुल बने, है ना, यहाँ रोजगार नहीं है, कालरी बंद हो रही है, यहाँ व्यवसाय कम हो गया है, तो कम से कम एक सीमेंट फैक्ट्री या कोई कारखाना लगे जो हमारे व्यापारियों को कम से कम सुविधा बने और जीवन करने की क्षमता बने। नेताजी से क्या अपेक्षा रखते हैं? भैया हम तो नेताजी से ये अपेक्षा करते हैं कि पाली का हमारे विकास पहली चीज, और सब ज़्यादा समस्या हमको इस वार्ड में दिखती है, हमारी दुकान यहाँ सामने है मंठा रोड पर, हमको पानी जितनी दिक्कत है इस पूरे बेल्ट में, यहाँ से लेकर वहाँ तक देख लीजिए, यहाँ पे एक भी हैंडपैप नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज़ क्या, पाली का विकास कब होगा जब यहाँ कोई बड़ा कोई काम होगा? कोई काम ही नहीं हो रहा, कोई आदमी नहीं दिखता, कहाँ से दुकानदारी हम लोग की चलेगी? दुकानदारी भी चलनी चाहिए, हमारे भी लड़के बच्चे कल का और सिस्टम होगा तो क्या करेंगे? ये सारी अपेक्षा आप अपने नेताजी, हम तो नेताजी से जो भी हमारी सरकार बनती है हम तो यही चाहते हैं कि पाली में ऐसा कोई बड़ा काम आवे जिससे रोजगार बढ़े, बेरोजगार बहुत सारे बेचारे घूम रहे हैं, हाँ, उनका रोजगार बनेगा तभी तो हमारा विकास होगा, विकास तभी होगा, ऐसा नहीं विकास होगा। हम तो चाहते हैं जैसे विद्युत प्लांट है, विद्युत प्लांट से हमारे को कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट उनको है जो बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े ठेकेदार हो, आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अब इससे ज्यादा क्या बोलेंगे आप भाई? से क्या अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा क्या है, अपने क्षेत्र का विकास हो, जैसे अभी यहीं बस स्टैंड के लिए कब से लटके हुए हैं, है ना, इस क्षेत्र में अभी सामने बैंक चली गई है, तो यहाँ का थोड़ा सा रोजगार इनका भी बहुत फर्क है, तो हम अपने क्षेत्र में तो ये सोचेंगे कि अच्छा विकास हो, ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि चुन के आए, बाकी जनता की जैसी इच्छा हो, है ना। और क्या सोचते हैं, और किस तरीके के आपके क्षेत्र में विकास होना चाहिए? विकास में अभी जैसे हॉस्पिटल बनी है तो उसमें डॉक्टर नहीं है, है ना भाई, अच्छे डॉक्टर हों, लेडी डॉक्टर हों, थोड़ी से मतलब बढ़ती में हो, मतलब कहीं भी हो तो जो भी एक्सीडेंट हो या कुछ भी होता है तो कहीं कहीं रिफर कर दो, ये सिस्टम है। और भी यहाँ पे नागरिक है, व्यापारी है, उनसे हम बात करेंगे कि वो अपने नेताजी से क्या सोचते हैं। आप अपने नेताजी से क्या अपेक्षा करते हैं? सारी सुविधाएं हो, सड़क हो, जल की व्यवस्था हो, लाइट हमेशा रहे, यहाँ लाइट कटौती की भी बहुत बड़ी समस्या है, भारी समस्या आए दिन पाली क्षेत्र, जबकि यहाँ पे खुद का पावर प्लांट है। आप अपने नेताजी से क्या अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा तो बहुत अब चाहते हैं, लेकिन अभी पाली क्षेत्र का विकास तो हो ही नहीं पा रहा है काफी दिनों से, आज मतलब 5-6 साल से, प्लस साथ में तालाब का सौंदर्यीकरण भी हो जाए, तालाब आज 15 साल से ऐसे ही सेम पड़ा हुआ है ना, और जो बड़ी हॉस्पिटल बनी हुई है ना, तो इसमें कोई सुविधाजनक मशीनें हैं ना ही कोई डॉक्टर है, तो यही है कि कोई मतलब, और साथ में ये बस स्टैंड जो अपने यहाँ स्टेट बैंक के सामने जिसमें अभी रोक लगा दिया गया है काफी क्षेत्र द्वारा, तो ये है कि कम से कम इन सभी का रोजगार मतलब यहाँ निर्माण हो सके, यही अपेक्षा है। आप अपने नेताजी से क्या अपेक्षा है? पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि सड़कों का निर्माण होना चाहिए, जितनी भी सड़कें अभी बदहाल हैं जी, सड़कों का निर्माण होना चाहिए, औद्योगिक विकास होना चाहिए, आस पास फैक्ट्रियाँ खुलनी चाहिए, रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए, इसके साथ ही जैसे यहाँ पर बस स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड ही बनना चाहिए, उसके साथ ही जितनी भी सड़कें खराब हैं सड़कों को दुरुस्त कराया जाना चाहिए, प्लस यहाँ के जो विद्यार्थी बाहरी जिलों में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, उसके लिए हम तो यही बोलेंगे कि कॉलेजों का निर्माण, प्लस स्कूलों का निर्माण, प्लस यहाँ पर चिकित्सीय सुविधा और बढ़ाई जानी चाहिए,
जैसे कि यहाँ पे 100 वाहन भी नहीं है, तो 100 वाहन उपलब्ध कराया जाए, उसके साथ ही और भी जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको बढ़ावा दें। नेताजी से क्या अपेक्षा रखते हैं? से अपेक्षा रखते हैं कि वो जिस भी क्षेत्र से चुने जाते हैं वो अपने क्षेत्र का विकास करें, रोड बनवाए, लाइट और लगवाए, और भी कई प्रकार के काम होते हैं उनको करें। नेताजी से क्या अपेक्षा रखते हैं? जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, और क्या बोलते हैं जैसे लाइट की प्रॉब्लम है, पानी है, ये सब चीज नेता से यही तो रिस्पेक्ट की जा सकती है कि ये सब दिलाए। अपने नेताजी से क्या अपेक्षा रखते हैं? जो समस्या है जैसे बस वाले हमारे स्कूल बहुत दूर है, वहाँ के जो गर्ल्स और बॉयज बड़े दूर से आते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम, तो अगर कोई भी जीते तो मतलब बस चलवाए अच्छा है। और भी कोई अपेक्षा और क्या क्या असुविधा है आपकी? असुविधा तो जैसे बहुत सारी ही है, मतलब बस में नहीं चलती है प्रॉब्लम, मतलब स्टूडेंट के बाद प्रॉब्लम होती है। मैं आने वाले नेता से ये अपेक्षा रखता हूँ कि जैसे अपना किशनपुर पाली महाविद्यालय यहाँ मतलब 3 साल से सर लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रेस लग रहा है, और हमारे जो हमारे कॉलेज की अध्यक्ष थी पहले यहाँ की जो नेता थी वो पहले अध्यक्ष थी सर, उनसे भी बोला गया था तब हम लोग नहीं आए थे इस कॉलेज में, हमारा 3 साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, अभी बोला गया था अभी तक ड्रेस लागू नहीं हुआ, और लड़कियाँ भी आती हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत दूर दूर से आती है, कोई साधन नहीं है यहाँ, और अपना बिशनपुर पाली जो पाली में स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी, और युवा बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, कोई यहाँ पर जॉब की कोई व्यवस्था नहीं है, बस इतना ही बोल रहा हूँ।